क्या है हिट एंड रन के लिए नए कानून जिसके चलते सड़कों पर उतरे ट्रक ड्राइवर? नहीं चलागी, नहीं चलागी, नहीं चलागी, नहीं चलागी, वापस लो, वापस लो। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर नया कानून लाया गया जिसके मुताबिक टक्कर मारकर भागने वाले को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके चलते कानून के खिलाफ डंपर में बस चालक और ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर गए हैं। सभी पेट्रोल, डीजल और बुनियादी चीजों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा और डीजल पेट्रोल की सप्लाई भी बाधित होने की वजह से कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म होने की बात कही जा रही है। इसके बाद पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की कतार भी लग चुकी है। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस को लेकर नया कानून बनाया है जिसके मुताबिक अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसी को टक्कर मारकर जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा जुर्माना भी देना पड़ेगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वह पुलिस थाने से बाहर आ जाता था, लेकिन इस नए कानून के मुताबिक सजा का प्रावधान भी किया गया है। नए कानून के बाद से दोषियों को अब 10 साल जेल में रहना होगा। हालांकि घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ रियायत दी जाएगी। ट्रक ड्राइवर से बस चालक सभी कानून का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर गए हैं। अब तक हादसे होने पर ड्राइवर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 289 यानी कि लापरवाही से वाहन चलाने, 304A, 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था, लेकिन नए कानून के मुताबिक मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर उसे 10 साल की कैद होगी और जुर्माना भी देना होगा। मांग एक है, हम रात दिन जगते हैं साहब, ठीक है, हमारे बच्चे भी हैं। अब 10 साल का वो बता रहे हैं कि 10 साल की सजा है, तो हम क्यों करेंगे ये सब? आप बताइए, 7 लाख रुपए जुर्माना है, हमारे बच्चों कौन पालेगा? मीडिया पालेगी या मोदी पालेगा, अमित शाह पालेगा, कौन पालेगा? पहले हमको ये उम्मीद थी। और सुनो, हम गुंडा के लिए गुंडा हैं और शरीफ के लिए शरीफ हैं। नहीं, मोदी सरकार जो काम कर रही है ना, मैं खुद ही गोरखपुर का हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ, ड्राइवरी पेशा है, अभी हमारा भाई है हमारे साथ है तो ठीक, लेकिन जो भी ये काम कर रही है मोदी सरकार, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ठीक, गरीब अगर ड्राइवर मरता है तो सरकार उसे क्या देगी? 10,000 पहले दुर्घटना होती थी तो ड्राइवर हमेशा ये उम्मीद करता था कि थाने जाके मेरी जान बची आएगी। अब ड्राइवर किस चीज की उम्मीद करेगा? एक मारेगा, चार मारेगा, 10 मारेगा, ड्राइवर मारेगा नहीं मारेगा, बताओ आप। ड्राइवर को पब्लिक मार देगी। अगर वो बोल रहे हैं कि ड्राइवर वहाँ पे खड़ा होकर उनको मदद दे, पब्लिक नहीं छोड़ती साहब, गलती होती है छोटे वाले माले की। हाँ, अपने बातों को रखिए। अच्छा अच्छा, तो सर आंदोलन तो कर सकते हैं ना एक साथ? एक साइड में आप एक साइड में बैठिए, रोड चालू रहे। नहीं चलागी, नहीं चलागी, नहीं चलागी, नहीं चलागी, वापस लो, वापस लो। आगे कुआ पीछे खाई, काले कानून भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो काले कानून ड्राइवरों के खिलाफ बनाए हैं उसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं। इन कानूनों को लेके हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लगातार संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर मेन गेट के ऊपर बैठ के भूख हड़ताल धरना जारी रखेंगे। जो मोदी जी ने काले कानून बनाए हैं, ड्राइवर के हाथ से एक्सीडेंट हो जाएगा, ड्राइवर 10 साल की सजा होगी ड्राइवर को, ये बिल्कुल गलत है। ये सब ड्राइवर भाई हैं, ये अपने बच्चे पालने आए हैं, ना कि ये जेल जाने के लिए आए हैं। ये गाड़ियां चला रहे हैं। मोदी साहब, आपके गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक पेपर उठा के एक मिनट में बोल दिया, जो ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाएगा वो गाड़ी छोड़ के भागेगा तो उसको 10 साल की सजा। अरे भैया, वो नहीं जाएगा भाग के, वो कहीं भागता नहीं, पर उसको पब्लिक पीटती है, पब्लिक मारती है, जला देती है, आग लगा देती है गाड़ी को। आपको ये चीजों का नहीं पता? आपकी नॉलेज के लिए बता दें, वहां से ड्राइवर इधर उधर हो जाता है, फिर मेरे को मारपीट ना हो, पर आपने बोल दिया ड्राइवर इधर उधर होएगा, 10 साल की सजा, ये बहुत गलत करा आपने। आपको हम सभी भाई हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, हाथ उठा के, ये काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। ड्राइवर जेल नहीं जाएगा, ड्राइवर जेल नहीं जाएगा, ड्राइवर जेल नहीं जाएगा, ड्राइवर जेल नहीं जाएगा।
ड्राइवरों के खिलाफ आपने काले कानून लेके आए हो, 10 साल की सजा लेके आए हो, कृपया करके इन कानूनों को वापस ले लो, वापस ले लो, ड्राइवर जेल नहीं जाएगा। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। ऑल इंडिया मदर एंड गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने औपचारिक चिट्ठी जारी कर परिवहन वेबसाइट से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे धैर्य से काम लें। चिट्ठी में उन्होंने ट्रांसपोर्टर को कहा है कि देश में 2 महान पर्व होने वाले हैं, जिसमें गणतंत्र दिवस और राम मंदिर की प्रतिष्ठा शामिल है। चिट्ठी में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोनों ही पर्व पर दुनिया भर के सभी देशों और उनके नागरिकों की पैनी नजर है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि कुछ ताकत ही चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश बदनाम हो जाए।